पौड़ी जिले में कोरोना के मामले जहां तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी दिक्कत मैन पावर की आ रही है। जहां स्वास्थ्य कर्मियों को सीमित संसाधनों और सीमित मैन पावर में काम कर कोरोना वैक्सीनेशन से लेकर कोरोना सैंपल जांचने और होम आइसोलेट हुए कोरोना मरीजों की देखरेख करने से लेकर कोविड अस्पतालों का जिम्मा सीमित संसाधनों के भरोसे संभालना पड़ रहा है, जिससे वैक्सीनेशन में भी कई अव्यवस्थाएं हावी होने लगी हैं। वैक्सीनेशन की शॉर्टेज तो नहीं है, समय समय पर आप जानते हैं समय समय पर एक हमें जैसे वैक्सीन प्राप्त होती है स्टेट से प्राप्त होती है और फिर हम जिले मिलती है, जिले से हम ब्लॉक में उसको वितरित करते हैं, उसी हिसाब से हम अपने सेशन प्लान करते हैं। लेकिन हमारे पास मैन पावर की कमी है, हमारे पास व्हीकल की कमी है, संसाधन उतनी टीमें हम नहीं बना सकते कि एक साथ जो है सब जगह जो है हम टीकाकरण कर सकें। तो हमें ब्लॉक में चुन करके दो तीन या चार जगह एक साथ सेशन हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे AFI मैनेजमेंट के लिए एम्बुलेंस भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए और टीमें चाहिए, और साथ साथ हमारा सैंपलिंग का भी कार्य चल रहा है, कोविड का भी, हमारा इलाज का भी, और फिर होम आइसोलेशन को भी लोग देख रहे हैं। तो क्योंकि संसाधन जितने हैं उन संसाधनों के हिसाब से उसको मैनेज किया जा रहा है। हमें संसाधन जैसे हमारे वहाँ बढ़ेंगे और वैक्सीन की डोज हमें ज़्यादा मिलेंगी तो हम उसको और स्पीड अप कर देंगे। कमी नहीं है, लेकिन ये कि एक साथ सबको नहीं लगाया जा सकता, मैन पावर की कमी और संसाधनों की भी चलते लिमिटेशन के चलते एक साथ देना संभव नहीं है, तो धीरे धीरे ही किया जाएगा इसको। दरअसल इन दिनों कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अस्पतालों के बाहर टीकाकरण के लिए लोगों की हर दिन लंबी कतार लग रही है। यहां टीकाकरण के लिए लोगों में इतनी होड़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लोग टीकाकरण के दौरान भूल रहे हैं, जिससे कोरोना का खतरा भी अस्पतालों के बाहर और शहर में ज्यादा मंडरा रहा है। जबकि सीमित संसाधनों और सीमित स्वास्थ्य कर्मियों के भरोसे काम कर रहा स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन हर दिन के तय लक्ष्य के अनुसार ही टीकाकरण को कर पा रहा है और अन्य सेवाओं में बेहतर तरीके से जुटा हुआ है। लेकिन इस दौरान ये हो रहा है कि अस्पतालों के बाहर टीकाकरण के लिए खड़े लोगों की बारी टीकाकरण के लिए नहीं आ पा रही, और इस दौरान अस्पतालों के बाहर खड़ी भीड़ भी कोरोना के खतरे को आमंत्रण दे रही है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।